तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां बात करेंगे सीनियर लीडर जॉन सीना के बारे में। आप सब जानते हैं नेक्स्ट ईयर जॉन सीना रेसलमेनिया 39 में रिटर्न करने वाले हैं। रेसलमेनिया 39 में उनका मैच होने वाला है, तो इसमें कौन सा वो ओपोनेंट हो सकता है जो कि जॉन सीना को नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में फेस कर सकता है। नाम काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस वीडियो में बात करूंगा सुपरस्टार के बारे में जिसे मैं देखना चाहता हूं जॉन सीना के साथ लड़ते हुए। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में। आप सब जानते हैं लोगन पॉल ने रिसेंटली अपने इंपल्सिव पॉडकास्ट पर ये कहा था कि वो जॉन सीना को रेसलमेनिया 39 में फेस करना चाहते हैं, वो एक बार फिर से इंटरनेट को ब्रेक करना चाहते हैं। लेकिन काफ़ी बड़ा सवाल फैंस के मन में ये था कि लोगन पॉल तो इंजर्ड हो चुके हैं क्राउन जूल में, तो अब वो जॉन सीना को कैसे फेस करेंगे। उनकी रिपोर्ट से आ रही थी कि उनकी इंजरी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और वो 6-7 महीने के लिए WWE से बाहर रहेंगे। लेकिन रिसेंटली ये बताया जा रहा है कि लोगन पॉल की इंजरी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, और उनकी इंजरी के बारे में उनके ब्रदर जेक पॉल ने रिसेंटली बताया था कि लोगन पॉल की पहले जितनी ज़्यादा इंजरी सीरियस लग रही थी, लग रहा था कि वो 8-9 महीने तक WWE से बाहर रहने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है, बहुत जल्द आपको लोगन पॉल WWE में रिटर्न करते हुए नज़र आ सकते हैं, और पॉसिबली रेसलमेनिया 39 में आपको उनका एक मैच भी देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद से पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि WWE हो सकता है लोगन पॉल वर्सेज जॉन सीना का मैच करवा दे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रेसलमेनिया 39 में कम्पीट कर रहे हैं, तो WWE को जॉन सीना स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का मैच करवाना चाहिए। उसके पीछे काफ़ी रीज़न भी है, क्योंकि ये मैच काफ़ी बड़ा मैच है, अपनी जनरेशन के दो टॉप सुपरस्टार आपस में लड़ेंगे। किसी ने सोचा नहीं होगा कि हमें रेसलमेनिया 39 में ये मैच देखने को मिला। एक ड्रीम मैच है जिसे देखने के लिए रेसलिंग फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, और आप खुद ही सोचो जब जॉन सीना स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एक साथ एक दूसरे के आमने सामने होंगे, कितने कमाल के हमें प्रोमोज देखने को मिलेंगे। और मैच की क्वालिटी शायद उतनी बढ़िया ना हो, लेकिन स्टिल पर्सनली मैं इस मैच को देखना चाहूंगा। लेकिन इन दी एंड सारी चीज़ें डिपेंड करती है ट्रिपल एच पर। अगर ट्रिपल एच को लगता है कि जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल का मैच करवाने से लोगन पॉल को काफ़ी फायदा हो सकता है, तो वो इस मैच की तरफ जाएंगे, क्योंकि WWE को फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। जॉन सीना स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन WWE के फ्यूचर है नहीं, और अगर आप मैच की क्वालिटी वाइज देखो तो शायद जॉन सीना लोगन पॉल का मैच ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर आप WWE फैंस से पूछोगे तो मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द फैंस ये देखना चाहेंगे कि जॉन सीना स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का मैच देखने को मिले रेसलमेनिया में। खुद ही सोचो, एक नाइट पर रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच हो रहा है, और एक नाइट पर जॉन सीना वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का मैच हो रहा है, कितनी बड़ी रेसलमेनिया होगी। मेरे हिसाब से WWE की हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया भी हो सकती है। लेकिन देखते हैं भाई WWE इन द एंड क्या प्लान करती है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो आपके हिसाब से कौन सा मैच होना चाहिए रेसलमेनिया 39 में, जॉन सीना वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन या फिर जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल। और गाइज, आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।